सहायता सहायता चाहिए मुझे सहायता चाहिए मुझे मिल गया संकेत चिंता मत करो भैया अब ये बहन सब संभाल लेगी काना काना मेरा कान्हा मेरा लल्ला मेरा कान्हा तू ठीक तो है ना कुछ हुआ तो ना तुझे कुछ ना हुआ लल्ला को ठीक है सब कुछ ठीक है कहाँ चला गया था अपनी मैया को छोड़ के बोल हाँ माय आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे लल्ला को बचा लियो बहुत बहुत उपकार आपका पर आप यहां जब तुम कान्हा को ढूंढने निकली थी तो मैं भी पीछे पीछे निकल गई थी इसे ढूंढने जेनेट खट यहां मिलो है मुझे किंतु फिर यहां कैसे यशोदा जी प्रश्न उत्तर का समय ना है चलो घर चलते थकान भूख न जाने क्या क्या सह रहो होगो ये नन्ना सा लल्ला जाओ जाओ घर जाओ इसे और तुम सबको विश्राम करने की आवश्यकता है उतना काकासुर शक्तासुर अंतरणावर्त अब बस भी कीजिए संभालिए अपने आप को पीछे थोड़ा सा जल पीछे उतना काकासुर तरणावर्त को क्या हो गया तुम भी सहस छोड़ दोगी तो महाराज को कौन संभालेगा चिंता मत करो महाराज को धक्का लगा है वो ठीक हो जाएंगे तुम चलो मेरे साथ नहीं मैं महाराज को छोड़ के नहीं जाऊंगी महाराज स्वामी आओ नहीं स्वामी होश में आइए अस्ति मैंने कहा ना चलो नहीं मैं स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी नहीं छोड़ो मुझे आ चलो छोड़ो मुझे न जाने क्या क्या उड़ गयो हानि धीरे धीरे पता चलेगी कितों के तो घर भी उजड़ गए मेरे घर का तो पूरा दरवाजा ही टूट गयो ना इस हीरे से जोड़ना पड़ेगा आप चिंतित मत हो मैया अब सब ठीक है मेरा लल्ला अकेला था यार इतने विनाश का सामना अकेले क्यों है इसने मुझे कितना भयभीत हो गया होगा इसे सब देख के मुझे किसी असुर से भय नहीं लगता मैया मेरा भय तो बस यही है कि आप भयभीत ना हो जाओ और विचलित होकर कोई निर्णय ना ले लो
मेरे कारण हुआ है जैसा। मैंने अकेला छोड़ दिया था इसे। आप ले लो जी से, मैं इसकी मैया कहलाने के लायक ही ना हूं। यशोदा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कछु ना है, जे होगो सो होगो, जाने दो उस बात को। ना, भूल तो हुई है मुझसे। कौन सी माँ अपने लल्ला को ऐसी चक्रवात में अकेला छोड़कर भीतर चली जाती है? उस दिन सुमति और संकरी मौसी उज्जवल को भूलकर चली गई थी। कितना क्रोधित हुई मैं उन पर, और आज मैं अपने ही लल्ला। यशोदा, तुम्हें पता है कि भूल को भूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे शीघ्र ही भुला देना चाहिए। और वैसे भी नारायण की कृपा से हमारा कान्हा बिल्कुल ठीक, कछु ना हुआ उसे। हो तो सकता था ना जी। जब जब कोई शुभ अवसर आता है, तब तब कोई ना कोई संकट आ ही जाता है। उचित कह रहे थे आप, हमें भव्य उत्सव करना ही ना चाहिए। इसी कारण से मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाती है। सच्ची बात तो ये है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं हट करती थी, पर अब ना, आज के बाद इस भवन में कोई बड़ा उत्सव ना होगा, कोई आमंत्रण ना जाएगा, कोई घी के दिए ना जलेंगे और कोई मिठाइयां ना बटेंगी। अपने लल्ला की रक्षा के लिए अपनी प्रसन्नता पर पहरा बिठा लूंगी मैं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, पर अभी शांत हो जाओ। कैसे नंद जी, कैसे शांत हो जाऊं? आज ऐसे लगो जैसे कोई बहुत बड़ी विपदा मेरे कान्हा के पीछे पड़ गई है। मुझे अपने लल्ला की रक्षा के लिए और सतर्क रहना चाहिए, और मैं उनकी भूल पे भूल किए जा रही हूं। बाबा, अब सत्य आपको पता चल गया है। अब आपको ही मैया को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। माँ की ममता के आगे मैं भी विवश हूँ। इस बार तो आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप सही कह रहे हैं बाबा, पर मैं करूँ क्या? तुम सब क्या देख रही हो? हाँ, कोई उत्सव ना हो रहा यहाँ। इस मैया को अपने लल्ला का ध्यान रखना आता ही ना है। कान्हा की मैया कहलाने के योग्य ही ना हूँ मैं। हटो। मैया, मैया, मैया। उंगलियां है पंथ जिसकी, ग्रंथ जिसकी, जननी। क्या कही तूने? फिर से बोल। मैया अनंत उसकी, यशोमती मैया के नंदलाला।
देखा तूने? सुनो ना तुम सब ने, इसने पहली बार मुझे मैया कह के पुकारो है। सुलक्षणा जानकी कस्तूरी सुना ना? हाँ जी सुना ना आपने, इसने पहली बार हमें मैया कहा। सुनो यशोदा, पर आज तुम भी सुन लो, आज के बाद ये संदेह कभी मत करना कि तुम लल्ला की मैया कहलाने के योग्य ना। जिस सबको सुनने के लिए इतनी तपस्या, इतना पूजा पाठ, इतने जतन किए हमने, उस सबको सुनकर मेरा हृदय फूले ना समारोह है। मन कर रहा है कि उत्सव हो ना, उत्सव ना होगो। आज मेरे लल्ला ने मुझे पहली बार मैया कह के पुकारो है, इसका अर्थ तो यही है ना कि मुझे इसकी मैया बनने का कर्तव्य और अच्छे से निभानो है। आज जो विनाश हुआ है ना, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। वो क्या है, कौन है, वो सब मैं ना जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि मेरा लल्ला संकट में है और इसीलिए मैंने एक निर्णय लियो है। कैसा निर्णय है सुधा? यही कि अब से मैं कान्हा को घर के भीतर ही रखूंगी। हाँ? क्या? यशोदा, कान्हा की सुरक्षा के लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता है नंद जी, बस यही भय था मुझे कि आप विचलित होकर आतुरता में कोई निर्णय ना ले लें। यशोदा, यदि लल्ला बाहर ना जाएगो तो संसार के बारे में कैसे सीखेगो, कैसे पता चलेगा उसे? आप बता देना, किंतु आज के बाद मेरा लल्ला नंद भवन के देहरी के बाहर पाँव ना रखेगो। इतना कड़ा निर्णय मत लो मैया। आज से हर समय मेरी आंखों के सामने रहेगो मेरा कान्हा, सोते जागते इस पर दृष्टि रखूंगी मैं, जो भी आवश्यक होगा मैं सिखाऊंगी इसे। प्राप्ति नहीं, नहीं प्राप्ति। यही सिखाया था मैंने तुम्हें? हाँ, कहा था ना मैंने तुम्हें कि उन पर नियंत्रण रखो, ध्यान रखो उनका। भय का बहुत बड़ा असर पड़ता है उन पे, शीघ्र ही पराजय को अपने मन में बिठा लेते हैं वो। परिस्थिति यदि उनके पक्ष में रही तो उनसे बड़ा सिंह उस वन में कोई और नहीं, और यदि विपक्ष को सफलता मिलने लगे तो निडर सिंह को गीदड़ बनते वक्त नहीं लगता। देखो उनकी दशा, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें सब कुछ सिखाया था मैंने? हाँ, क्या करना है, कैसे सुझाव देने हैं, क्या मंत्रणा करनी है, सब समझाया था मैंने तुम्हें, पर तुम असफल रही। देखो उन्हें कैसे पराजित जुआरी की तरह अपना सारा साहस गवाकर शीश झुकाकर नीचे बैठे हैं वो। जानती थी मैं कि दूसरी पत्नी बनूंगी, लेकिन फिर भी उनसे विवाह किया मैंने। पता है क्यों? क्योंकि महारानी बनना था मुझे, जीवन का सुख चाहिए था मुझे, सत्ता की शक्ति चाहिए थी। पर अब उस विष्णु अवतार के कारण लगता है कि हम दोनों शीघ्र ही विधवा बन जाएंगी। सुनो जी, मेरी एक विनती है आपसे, मना मत ही करना।
जो कर रही हूँ वो करने दो, बस आप आज्ञा दे दो। मैया ने निर्णय ले लिया है। जो तुम्हें उचित लगे तुम करो यशोदा। महाराज कंस की मृत्यु के बाद उनके सहयोगी मंत्री सेनापति हम दोनों के साथ क्या करेंगे? नोच कर खा जाएंगे वो हम दोनों को। और ये सब होगा तुम्हारे कारण अस्ति। नहीं, नहीं, क्षमा, मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति। क्षमा कायरों की लज्जा होती है अस्ति। मुझे चाहिए साहस का शस्त्र और कुटिलता के अस्त्र। जानती हो मैं महाराज को क्यों नहीं संभालती? क्योंकि मुझे भय लगता है, महाराज से नहीं अपने क्रोध से। क्योंकि बात अगर आगे बढ़ गई तो तलवारें मयान से बाहर निकल आएगी, या तो महाराज की मृत्यु होगी या तो मेरी। मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति, बताओ मैं क्या करूं? तुम बस मौन धारण करो मौन। अब कुछ कहना नहीं, करना पड़ेगा। महाराज कंस के आत्मविश्वास को फिर से जगाना होगा, उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि वो मथुरा नरेश कंस है और वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वही है कृष्ण। कितने वर्ष बीत गए तुम्हारी प्रतीक्षा में। हर सुबह लगता था कि तुम आज मिलोगे, पर तुम कभी नहीं आए। आज फिर आशा बांधी है, तोड़ मत देना कृष्ण। वर्षों से तुम्हारे लिए योजना बनाकर रखी है मैंने, आज उसे पूरा अवश्य करूंगी। मैं अपने वर्षों की प्रतीक्षा का अंत करूंगी आज। आओ कृष्ण, ये हाथ तुम तक पहुंचने के लिए तड़प रहे हैं, बाहर आओ। आओ कृष्ण आओ। आज भी निराश कर दिया। कब आएगा वो दिन जब तुम मेरी पहुंच में होगे? कब? सारा संसार आपके दर्शन करके अपना दिन आराम करता है, पर क्षमा करियो सूर्यदेव, इस मैया के मन को तो शांति केवल अपने लल्ला के मुख के दर्शन करके मिलती है।
हे तुलसी मैया, आप तो इस मैया की दुविधा अवश्य समझोगे। आपको तो पता है ना, नित्य के जैसे आज भी कान्हा बाहर जाने के लिए हट करेगा या फिर किसी ना किसी प्रकार से मुझे मनाने का प्रयास करेगा। इसीलिए इतनी शक्ति दो मुझे कि मैं उसकी मनोहर बातों की फेर में ना आऊं और आज फिर से उसे मना कर पाऊं। अब करेगी जसोदा अपने कान्हा के मुख के दर्शन और फिर खोलेगी अपनी आंखें। भोर हो गई कान्हा, चादर से बाहर निकल और अपनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट दिखा दे अपनी मैया को। मेरा मुंह देख के चिल्लाए क्यों? नहीं, वो तुम इतने भयानक लग रही हो क्या? मैं ना, आज तो तुम प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक सुंदर लग रही हो। लग रहा है मानो भोर की किरणें सूर्यदेव से नहीं तुमसे फूट रही हूं। झूठी प्रशंसा मत करो आप। और ये बताओ, मेरे लल्ला के बिछौने पे आप क्या कर रहे हो? कहां छुप गए जी आज? मिल क्यों ना रहो? लल्ला, सुबह मैया के चरणों में फूल चढ़ाने का आनंद ही कुछ और है। उसे पता था उसकी मैया यहां ढूंढेगी। देखो जी कितना प्यारा है मेरा लल्ला। मेरा लल्ला? और नहीं तो क्या? अच्छा, मतलब शैतानी करे तो लल्ला मेरा और प्यार उमड़े तो लल्ला तुम्हारा। वाह, आपसे तो बातें करा लो बस। उसे ढूंढने का दायित्व मेरा और आप इससे अच्छा शांति से बैठ जाओ। ठीक है, तो मैं बैठ जाता हूं। आप सच्ची में बैठ गए? हाँ? ठीक है, मैं कान्हा को स्वयं ही ढूंढूंगी। लल्ला, ये बाबा ने अच्छो करो, अब होगी मेरी योजना पूरी तरह से सफल। जे बाहर गया है क्या? ना ना, उसने आज तक बाहर की दिशा में पांव भी ना धरो है तो आज क्यों जाएगा भला? पर जे कहो कहां है वो? क्या है ये अंग वस्त्र? है हमारे पुत्र के लिए। आपके लल्ला का अंग वस्त्र? ये मैंने बनाया है अपने नटखट कृष्ण के लिए।
पर ये उसे ठीक से आएगा? वो कैसा दिखता है, लंबाई कितनी है, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है स्वामी, मेरे मस्तिष्क के पटल पर उसकी छवि अंकित है। अपने हृदय में मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है। तब तो मुझे भी बताओ देवकी, कैसा है वो, कितना नटखट है वो देवकी? बहुत नटखट होगा वो, तू अब तेरी जी सतानी ना चलेगी, समझो? स्नान ध्यान करना है कि ना? बताओ ना देवकी, कैसा दिखता है हमारा पुत्र? अलग ही आभा, तीव्र प्रभा है, सूर्य से दमके ऐसी त्वचा है। मुख सांवला है उसका, इतना सलोना कि कोई भी देखे तो मन आनंद से भर जाए। मैया जल इतना ठंडा क्यों होता है? ताकि मेरे लल्ला को स्नान करने में आनंद आए। केश घुंघराले इतने घने जैसे सावन की काली घटाएं, आंखों में तेज है इतना प्रबल जैसे खिल गए हो दो कमल, और बातें जो दिखता है वो क्या है, क्यों है, कैसे, चाहे कि क्षण भर में सब जान जाए, जिज्ञासा इतनी कि चकित कर जाए। उसके प्रश्नों में जगत भर का कौतुक समाए। मैया और क्यों होती है? क्योंकि सूर्यदेव रथ पर चढ़कर भ्रमण के लिए निकलते हैं। पर सूर्यदेव भ्रमण पे क्यों निकलते हैं? सारे प्राणियों को प्रकाश देने के लिए। सूर्यदेव का प्रकाश पीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि मेरे लल्ला की धोती पीले रंग की है। अच्छा मैया, सूर्यदेव गोल क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे लल्ला की बातें गोल गोल है, अभी सीधा रहे। पर मैया, तेरा अंगवस्त्र कहाँ रखूं मैंने? वस्त्र और आभूषण के साथ यही तो रखा था, कहाँ गयो? कितना अच्छा होता यदि ये वायु उसे उड़ाकर मेरे कृष्ण तक ले जाती। जो यहां रखा था मैंने, जो इतनी सुंदर कलाकारी, इस पर मेरी दृष्टि क्यों ना पड़ी? इसे पहन के तो तू और भी सुंदर लगेगा लल्ला। मैया बस कान्हा, अब और प्रश्न ना, स्थिर रहे और मुझे ये पहनाने दे। पीली पोशाक में जब वो मोर मुकुट पहनकर तैयार होता है तो चल अब खड़े होके दिखा मेरा कान्हा कैसा लग रहा है। तो क्या देवकी, कैसा लगता है कृष्ण जब मोर मुकुट के साथ सज धज कर तैयार होता है? बिल्कुल श्री नारायण जैसे, बिल्कुल श्री नारायण जैसे।
आज कृष्ण का वर्णन करके तुमने मुझे भी एक नई आशा दे दी। जब तक प्रभु है आशा है, आशा है कि एक दिन आएगा जब हमारा पुत्र कारागार के समान इस कक्ष से मुक्त करके हमें बाहर ले जाएगा, जब कंस के अत्याचारों का अंत करेगा वो। महाराज कंस पधार रहे हैं, जय जयकार आरंभ करें। महान सम्राट मथुरा नरेश महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय।
अस्ति। सभी सभासद उपस्थित है यहाँ? जी महारानी। तो क्या सूचना है? मासिक कर इकट्ठा करवाकर राजकीय कोषागार में जमा करवा दिया गया है महारानी। लगता है हमें शीघ्र ही अतिरिक्त कोषागार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नए अस्त्र शस्त्र भी आ चुके हैं महारानी, पहले से कहीं अधिक तीव्र धार वाले और कहीं अधिक शक्तिशाली। हमारे सबसे अच्छे योद्धाओं ने स्वयं परखा है उन्हें। क्या हुआ अकलासुर? तुम्हारे पास राज्य को देने के लिए कोई सूचना नहीं है? सूचना तो अवश्य है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूं मैं। मुझे पता है मेरे पीछे कौन है। मैया। आपको हर बार कैसे पता चल जाता है मैया? आपकी आंखें चारों ओर देख सकती है क्या? छुपा के प्रभु। बता क्या चाहिए तुझे? लड्डू चाहिए। पेड़े चाहिए? तब तो पक्का माखन चाहिए होगा तुझे ना? अब तो फिर तू ही बता दे कान्हा, क्या चाहिए मेरे लल्ला को? मुझे कछु चाहिए नहीं मैया, मैं तो कछु देने आया था। अच्छा तो दे फिर। आगे बढ़ाओ। ये आपके लिए बनाए हुए हैं मैंने। सच्ची? कान्हा जी तूने बनाए हैं? तो बांध भी तू ही बांध पाएगो? लाओ। मैया जितना सरल लगा था उतना सरल ना है, बहुत कठिन है। तो क्या होगा? कान्हा की हर कठिनाई को सरल बनाने के लिए उसकी मैया है ना, मैं बांधती हूँ।
मैया भूरे इतने अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वो तेरे जैसे सुंदर सुंदर होते हैं। पर ये फूल आते कहाँ से हैं? पौधों से। सारे फूल पौधों से ही आते हैं? हाँ लल्ला। मैया, पर पौधे तो सभी हरे रंग के होते हैं, तो फिर फूलों में भिन्न भिन्न रंग कहाँ से आ जाते हैं? बताओ ना मैया। बहुत प्रश्न पूछने लगो है तू, मुझे कार्य करने दे। मैया बस एक अंतिम प्रश्न पूछूं? पूछ। आज ही पूछेगा ना लल्ला कि सदानंद जी को बुलवा के मुहूर्त निकलवाऊं? मैया मैं पूछ रहा था कि मैं आज बाहर जा सकती हूँ? सवेरे से मुझे इसीलिए फूल दे रहे है ना कि मैया प्रसन्न हो के हाँ बोल दे। आपने हाँ कह दी? ना कही है कान्हा, कड़ी ना। सुन भी ले और मस्तिष्क में डाल भी ले। पर तुझे बाहर जानो ही क्यों है? अपने मित्रों के साथ खेलने मैया। तो खेल तो तू यहाँ भी सकता है। अपने मित्रों को फिर से यहाँ बुला ले। सच्ची मैया बुला लो? गोकुल के राजकुमार की मैया हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो ये भी सोच रही थी लल्ला कि अपने राजकुमार के मित्रों के लिए कछु विशेष बना लूं। अब बात अच्छी हो मैया, अभी बुला दो हूँ। संभाल के। देखना अब घर खेल के मैदान में बदलने वालों है। खिलाड़ी बस आते ही होंगे और सबसे पहले आएगा वो जो कान्हा का सबसे प्रिय और आज्ञाकारी मित्र है, सुबल। नारायण नारायण, कान्हा ने बुलायो, मैं दौड़ा चलायो। तू तो पहले से ही फल खा रहे है हुँ? अब जो मैं इतने सारे व्यंजन बना रही हूँ उसके लिए तो तेरे पेट में स्थान ही ना बचेगी। मैं बचा लूंगा काकी, ये तो अभी समाप्त कर ही दूंगा, फिर जब बनाएगी वो भी खा लूंगा। ना कहकर उनका अपमान थोड़ी ना करूंगा मैं। अब दूसरा आएगा वो जिसका बड़बोला व्यवहार पूरे गोकुल को पतो है, कान्हा का सबसे पहला मित्र सुमति का लल्ला उज्जवल। कान्हा, तेरे भोपू का स्वर सुनते ही चला आयो, पता है कितनी कठिनाई हुई मुझे? शीघ्रता के चक्कर में गिरते गिरते बचो और फिर भी भागते दौड़ते सबसे पहले पहुंचाऊं यहाँ। पर सबसे पहले तो सुबल पहुंचो है। हाँ हाँ, वो तो इसलिए कि मैंने पहुंचने दियो। अरे कहीं तो प्रथम आने का अवसर मिलना चाहिए हमारे मित्र को, है कि ना? एक का पेट बातों से ना भरता और एक का भोजन करके भी ना भरता है। पर सुबल, तू जो खातो है वो जातो का है? मेरा आकार बड़ा है ना, इसीलिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। सुबल तू चिंता मत ही कर, तेरा प्रिय व्यंजन बनाया मैंने, खीर चूरमा। अब देखना सब, अब आएगा वो जो बोलता तो है पर तनिक धीमी गति से, पर दौड़ता घोड़े की गति से है। कान्हा ने पुकार लगाए, मेरे पाँव ने गति पाई। भाई वाह यशोदा, तुम्हें तो सब पता है, किसका व्यवहार कैसो है, किसे कौन सो व्यंजन पसंद है। मुझे तो ये भी पता है कि अगला कौन आएगो। अच्छा तो बताओ कौन? अब आएगो गोकुल का सबसे बड़ा सत्यवादी, पूर्णा मौसी का पोता मधुमंगल।
मैं भी आ गो, अब खेले? पर कान्हा तो अभी खेलना आरंभ करेगो। ऐसा क्यों? इसके दाव तो आए ही ना, और दाव के बिना कान्हा कछु आरंभ करे जे तो संभव ही ना है। दाव कहाँ रह गए? कान्हा वो वसंता से मिलने गया है। दोनों एक साथ ही आएंगे। दाव आ गए, वसंता दाव के ऊपर। नारायण नारायण नारायण। बलराम, वसंता को कंधे पे उठाने की क्या आवश्यकता थी? कंधे पे लेकर ना आता तो आता ही नहीं काका जी, एक कोने में भैंसे डुबक कर बैठ गया था और नारायण नारायण जप रहा था। बस तो फिर नारायण का नाम सुन के नाव को सहायता तो करनी ही थी। भय कोई भूत प्रेत का था क्या? क्योंकि जब मैं भी उस मार्ग से आ रहा था तब मेरे पीछे भी एक भूत पड़ गया था। उसके इतने लंबे हाथ थे और पांव तो भूत नहीं बिल्ली पड़ गई थी इसके पीछे। हाँ चलो हम छुपन छुपाई खेलेंगे। महारानियों के लिए मेरे मन में सम्मान बहुत है, पर महाराज का स्थान कोई और नहीं ले सकता। आप सब विचार कीजिए, महाराज अपनी प्रजा के साथ छुपम छुपाई क्यों खेल रहे हैं? तुमने कहा था नए अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं, दिखाओ। जी लाओ। ऐसे तलवार का भय दिखाकर आप मुंह बंद करवा सकती हैं, पर मन में उपजे प्रश्न को आप नहीं रोक सकती। महारानी, अकलासुर का प्रश्न उचित ही है। अन्य सभासदों के मन में भी यही जिज्ञासा है। हम सब महाराज को देखना चाहते हैं। महारानी, एक बार दर्शन करा दीजिए ना महाराज के। कहीं प्राप्ति को क्रोध आ गया तो इनकी जिज्ञासा प्राणों की आहुति ले लेगी। तो क्या चाहते हैं आप सब? कि महाराज की तपस्या भंग हो जाए, हम महाराज को साधना के बीच से उठा दे, क्योंकि आप सभी को उनसे मिलना है। जब तक युद्ध की स्थिति ना हो तलवार मयान के भीतर ही अच्छी लगती है, और आवश्यकता ना हो तो जीभ मुंह के भीतर ही शोभा देती है। आप सभी को अपने महाराज से भेंट करने का पूरा अधिकार है, इसलिए आज अश्विन पूर्णिमा को महाराज कंस आपसे अवश्य भेंट करेंगे। महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महारानी अस्ति और महारानी प्राप्ति की जय! अकालासुर आना मत भूलना। चलो अब हम भी अपना कार्य आरंभ करते हैं। हाँ जी जी चलो। भोजन के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो तुम लोग देख क्या रहे हो? खेल आरंभ करो। बोलो ना कौन लगो पहली दाव? ठीक है, सदैव मेरे लल्ला को ही पहला दाव दे देते हैं, वो मेरा भोला भाला काना मान भी लेते हैं। बालकों को जैसे आनंद आए खेलने दो उन्हें, पर कभी तो मेरे लल्ला को भी छुपने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत प्रवीण है छुपने में, मुझसे अधिक कौन समझेगा? काना, चल मत कर।
नहीं तो फिर से दाव लेनी पड़ेगी। एक दाव लेने वाली की आंखें अनेक। दो सिगरेट सिगरेट छुप लो। तीन आरो हूँ बजाते हुए बीन। चार सब हो गए ना तैयार। पांच अब देखो काना का नाच। क्या कर रही हो यशोदा? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है, यही तो है जीजी। चल लद्दी गिर गए हो ना, और आटा डाल देती हूँ। सारे बालक पेट भर के पूरियां खाएंगे। जो सेम छुपने पर पारंगत है उससे कितनी देर छुपेंगे ये सब? खेल के बहाने ही सही, एक बार बाहर आ जाओ कृष्ण। आओ देखो तो सही, कौन है तुम्हारी प्रतीक्षा में इतना व्याकुल? कान्हा, बाहर सबको छुपने से मना किया है मैंने, बाहर कोई ना छुपो है। यहाँ कौन छुप सकता है? मुझे पता है, भोजन बनते ही सबसे पहले कौन आएगा खाने? सुबल। द्वार के पीछे सुबल छुप हुआ है। जानती हो रोहिणी जीजी, मेरा कान्हा तो किसी से भी ना डरता, ना भूत से ना प्रेत से, और बिल्ली और बैल तो कछु गिनती में ही ना है। अवश्य मैया, वसंता के बारे में संकेत दे रही है। वसंता तू बोरे में छुपो है ना, चल बाहर आ जा। तुम्हारी सहायता कर रही है कान्हा। लो कर लो बात, मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ और तुम सब खेल रहे हो, तो मैं तो भंडार कक्ष में भी नहीं जा रही। भंडार कक्ष में कोई चुप है? जी तुझको संकेत दे रही है। ये उचित ना है काकी जी। आप छल कर रही हो ताई जी। छल 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 छल। अच्छा जी, मैं और छल, ये तो संभव ही ना है। आपने संकेत दियो है खाना को, खेल में इसकी सहायता करके छल क्यों है आपने? अच्छा, छल मैं करती हूँ? छल तो तुम सब करते हो मेरे लल्ला के साथ, उसे पहला दाव देके। ये अनुचित है ताई जी। ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया। मेरी मैया ने कोई छल ना किया। और ये सत्य है कि इन्होंने तुम्हारी सहायता की है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सुधा। आपको बालकों के बीच में ना आना चाहिए जी। अरे मैं आ रहा हूँ बीच में,
बालकों के खेल के बीच में तो तुम आ रही हो। उचित कहा, ताऊ जी सही कह रहे हैं, ताऊ जी सही कह रहे हैं। देखो, ताऊ जी सही कह रहे हैं। मैं आई हूँ तुम लोगों के खेल के बीच में। हाँ। पक्की बात? हाँ। क्योंकि मैं तो स्वादिष्ट खीर चूरमा और पूरियां बनाने जा रही हूँ तुम सबके लिए, वो भी माखन के साथ। मैया तो मुझसे भी अति चतुर है। अंतिम अवसर दे रही हूँ, बता दो। मैं बीच में आ रही थी ना। मैंने छल करो क्या ना। पक्की बात? पक्की बात काकी, आप तो अपने कार्य में व्यस्त थी। हाँ, हमारे लिए पकवान बना रही थी। तो चलो बस, पार्क में बैठ जाओ स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए। आजा। एक बार तो बाहर आओ कृष्ण, अपनी पीड़ा तुम्हें देनी है मुझे और तुमसे लेना है सुख। अपनी एकमात्र इच्छा पूरी करने का सुख। आश्वासन तो तुमने दे दिया, किंतु इस दशा में कैसे मिलाओगी इन्हें सभासदों से? यदि वो सभी शीघ्र ही महाराज से नहीं मिले तो इन्हें मृत मानकर विद्रोह कर देंगे सब। हमें राज सिंहासन से नीचे उतार देंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे और हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब और कोई उपाय नहीं है अस्थि, हमें किसी भी तरह इन्हें इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए मनाना ही होगा। बलराम, कान्हा कहाँ है? मुझे ना पता काकी। यशोदा, होगा यही कहीं। देखना खीर चूरमा की गंध से कैसे अब भी दौड़ा चलाएगा। छे तो है पर गयो कहाँ? जी जी, आप इन सबको भोजन कराओ ना, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। आ जाओ, आओ और पास आओ कृष्ण, आ जाओ, आओ कृष्ण, आओ, आ जाओ। कान्हा, कान्हा, प्रभु, मेरे कान्हा, आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। मैं तरस रही थी तुम्हारे चरण स्पर्श के लिए। इतनी लंबी प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भू देवी। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस फिल्म का प्रेषित हो पाए? जो चाहिए था वो तो आपने पहले ही दे दिया प्रभु। अपने चरण कमल मुझ पर रखकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, पर मेरे पास आपको देने के लिए अपनी तुच्छ मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या उपहार दूं प्रभु? आप सभी प्राणियों को अपने ऊपर स्थान देती है देवी। कोई पापी हो या महात्मा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती।
इसलिए आपकी मिट्टी और कंकड़ तुच्छ नहीं है देवी। यदि आप मुझे कुछ उपहार देना चाहती हैं, तो प्रेम और समर्पण के रूप में अपनी मिट्टी दीजिए, मैं आनंद से स्वीकार करूंगा।